तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर सैमसंग के 5G स्मार्टफोन की लीक निकल कर आ रही है, जो कि एक बजट 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि होगा सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन। और ये सैमसंग का जो सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है, और उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बताने वाले हैं कि क्या स्मार्टफोन के स्पेक्स आपको देखने को मिलेंगे और कौन सा प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्मार्टफोन एक बजट 5G स्मार्टफोन का होगा सैमसंग की तरफ से आने वाला, जो कि फरवरी के महीने में आपको देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करें तो स्मार्टफोन 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्पेक्स है इस स्मार्टफोन के प्राइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई भी आपको ज़्यादा इतने बेकार से स्पेक्स देखने को नहीं मिलने वाले इस स्मार्टफोन में। कह सकते हैं आप ये कि एक बजट स्मार्टफोन होगा सैमसंग की तरफ से आने वाला, जो कि 5G होगा। और यहाँ पर सैमसंग के जो फैन हैं उन्हीं के लिए ये खुशी की बात है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम स्मार्टफोन के स्पेक्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्मार्टफोन के डिस्प्ले से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस का एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सैमसंग का स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, वही पुराना 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर गेमिंग के लिए ये किसी भी काम में नहीं आने वाला। हालांकि आप छोटे मोटे गेमिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पहले सब 60Hz से ही गेमिंग करते थे, कोई भी इससे ऊपर के रिफ्रेश रेट के साथ में गेमिंग नहीं करता था। तो हालांकि आप यहाँ पर गेमिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना कि 120Hz डिस्प्ले वाला देता है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग का गोला ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी बैक ग्लास देखने को नहीं मिलने वाला। और पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम नजर डालें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात आती है स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, कि स्मार्टफोन किस प्रोसेसर के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बजट में होने वाला 5G स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में MI 10i स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, उसमें यहाँ पर आपको 20,000 रुपये की रेंज देखने को मिलती है और उसमें आपको 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का। तो वही प्रोसेसर भी इसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि डुअल बैंड 5G सपोर्ट के साथ में आता है। ये वही प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की। तो यहाँ पर बैटरी दोस्तों थोड़ी सी आपको कमज़ोर सी देखने को मिल सकती है, जो कि 4000 mAh की है। हालांकि यहाँ पर अभी फास्ट चार्जिंग कौन सी आपको देखने को मिलेगी वो अभी सैमसंग की तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। जहाँ तक मुझे लगता है स्मार्टफोन में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्टफोन में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है सैमसंग के। अब दोस्तों स्मार्टफोन के लॉन्च वेरियंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ बेस वेरियंट स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस यही कोई 23,000 रुपये इंडियन मार्केट के हिसाब से हो सकती है। अब आपको ये स्मार्टफोन किस प्राइस पर देखने को मिलने वाला है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको स्मार्टफोन की प्राइस कैसी लगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एस टेक्निकल इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।